हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं ना सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगी बल्कि आपको सिखाऊंगी कि स्टाइलिश और कूल तरीके से इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो आज अपना वादा पूरा करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 ऐसे एडवांस्ड सेंटेंसेस जिनको आप बोलेंगे तो लोग आपकी इंग्लिश से बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेज बहुत ही स्टाइलिश और इम्प्रेसिव हैं और हम चाहते ही हैं ना कि लोग हमारी इंग्लिश से इंप्रेस हों। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इन सेंटेंसेस को किसी नोटबुक में लिख लीजिए या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार चला चला के लूप में सुनिए। बार बार सुनने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आपको हर सेंटेंस की इंग्लिश भी बताऊंगी और हिंदी भी बताऊंगी, साथ साथ एक दो एग्जाम्पल्स भी दूंगी, जिससे वो आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आप उनको आसानी से यूज कर पाएंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ जिफी को किस तरह से यूज करते हैं। इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, वेरी क्विकली, वेरी सून। जैसे अगर कोई जा रहा है बाहर और वो कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हें टाइम लगेगा तैयार होने में, और आप कहते हो नहीं नहीं मैं बस 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आई गेट रेडी इन अ जिफी कि मैं 1 मिनट में सैंडविच बना दूंगी, आई मेक सैंडविच इन अ जिफी। ठीक है, इस तरह से आप इन अ जिफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है कोई चीज बहुत आसान होना, कोई जीत, कोई विक्ट्री या कोई अकॉम्प्लिशमेंट, कोई सफलता आसानी से हासिल कर लियो, तो उसको हम यूज करते हैं केक वॉक। जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन जीता और आपको कोई बोल रहा है कि ये तो बड़ी दिक्कत हुई होगी, आपने तो बहुत मेहनत की होगी, और आप कहना चाहते हो अरे नहीं नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। नो, दिस कॉम्पिटिशन वॉज अ केक वॉक फॉर मी। एग्जाम देकर आए और उसका फर्स्ट सेक्शन आपको लगता है बहुत ही आसान था, तो आप कह सकते हो द फर्स्ट सेक्शन वॉज अ केक वॉक फॉर मी। हमारा थर्ड सेंटेंस है इट्स नो बिग डील। मतलब नो बिग डील हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम कहना चाहते हैं कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी सी बात है, हो जाएगा इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन। तो आप किसी को कहना चाहते हो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसकी चिंता मत करो, तो आप बोलोगे डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नो बिग डील। जैसे कि सपोज करो दो बच्चे फ्रेंड्स हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के यहाँ पर रुकना चाहता है और वो कहता है कि मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो नो बिग डील, आई आस्क माई मॉम टू टॉक टू योर मॉम, कि मैं अपनी मम्मी को कह दूंगा तुम्हारी मम्मी से बात करने के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई पेपर फट गया और वो बच्चा कहता है कि सॉरी मुझसे ये पेपर फट गया, तो आप कह सकते हो नो बिग डील, आई प्रिंट इट अगेन, कोई बात नहीं ये तो मैं दोबारा से प्रिंट कर लूंगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू अप टू। आप सोच में पड़ जाते हैं कभी कभी, कोई बंदा बोल देता है व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू का मतलब एक्चुअली में सिर्फ यही होता है कि आप क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हो आजकल। अगर कोई काफी टाइम बाद मिला है और तब कहता है व्हाट आर यू अप टू, तो उसका मतलब है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर कोई कहता है व्हाट आर यू अप टू दिस वीकेंड, तो तब उसका मतलब है कि आप इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो। ब्रेनर, इट्स अ नो ब्रेनर, कहने का मतलब है ये कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही कम दिमाग लगाना पड़े या बिल्कुल कम से कम सोचना पड़े, तब हम यूज करते हैं इट्स अ नो ब्रेनर, ये इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। ठीक, मैथ्स का ये सम तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया, इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, कि इसमें तो मुझे सोचना तक नहीं पड़ा, मैंने ऐसे ही कर दिया। या आपने कोई कैलकुलेशन दिमाग में ही कर ली और आप बोलते हो, कोई आपको बोलता है कि अरे वाह इतना कैलकुलेट कर लिया, हाँ हाँ यस यस इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, मतलब कि मेरे लिए कुछ भी नहीं था, ये तो मुझे तो सोचना तक नहीं पड़ा। आर नेक्स्ट सेंटेंसेस इट्स द इन थिंग। इन थिंग क्या क्या क्या, इन थिंग का मीनिंग होता है कोई चीज जो अभी फैशन में है या बहुत चल रही है। आई गो टू किटी पार्टीज बिकॉज इट्स द इन थिंग टू डू, कहने का मतलब है कि मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ क्योंकि आजकल ये फैशन में है, ट्रेंड में है। आई ईट लो फैट फूड बिकॉज इट्स द इन थिंग टू डू, लो फैट फूड खाना फैशन में है आजकल, ट्रेंड में है, इसलिए मैं आजकल लो फैट फूड खाती हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि इन थिंग कहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, कि ये किसी जादू से कम नहीं है, ये किसी मैजिक से कम नहीं है। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है ये इससे कम नहीं है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मतलब कोई बंदा बहुत मोटा था और वो बहुत ही पतला हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका उसमें बदल जाना, उसके लिए आप कह सकते हो इट हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, कि ये किसी जादू से कम नहीं है। अब अगर कोई बेवकूफी करता है तब आप कह सकते हो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी, कि ये किसी बेवकूफी से कम नहीं है। तो किसी चीज से कम नहीं है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो नथिंग शॉर्ट ऑफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस कॉट माई अटेंशन, कि इस चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। द वन दैट कॉट माई अटेंशन वॉज अ गर्ल वेयरिंग पर्पल ड्रेस, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो एक लड़की थी जिसने पर्पल ड्रेस पहनी हुई थी। तो एक प्यारी सी ड्रेस ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, अ ब्यूटिफुल ड्रेस कॉट माई अटेंशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज टेकन अ बैक, कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई या शॉक हो गई।
बहुत ज्यादा झटका लगना, सरप्राइज हो जाना या शॉक हो जाना, वहां पर यूज होता है टेकन अबैक। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन अ स्ट्रेंजर आंसर्ड द फोन। मैं बहुत ज्यादा हैरान होगी जब एक स्ट्रेंजर ने फोन आंसर किया। यानी कि सपोज करो आप अपने घर पे ही फोन मिला रहे हो और कोई दूसरा अजनबी फोन उठाता है। आई वॉज टेकन अबैक बाई हिज रिएक्शन। कि मैं उसके रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान होगी कि किसी का कोई ऐसा रिएक्शन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वहां पर आप यूज कर सकते हो। आई वॉज टेकन अबैक बाई हिज रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कम ऑन टाइम, डोंट कीप मी वेटिंग। टाइम पर आना, मुझे इंतजार मत करवाना। इंतजार करवाने के लिए हम कीप मी वेटिंग या कीप यू वेटिंग यूज करते हैं। किसी को आपने अगर इंतजार करवाया तो उसको आप कह सकते हैं सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, कि मुझे माफ करिए मैंने आपसे बहुत इंतजार करवाया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ऑन क्लाउड 9। जब आप हद से ज्यादा खुश हो रहे हो और आपकी खुशी समाई नहीं रही हो आपके अंदर, तब आप कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी आई एम ऑन क्लाउड 9, या आई एम ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन। कि मैं कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई गॉट माई ड्रीम जॉब आई एम ऑन क्लाउड 9। मुझे अपनी पसंद की जॉब मिल गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम डाइंग टू डू दिस। कि मैं ये करने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू डू दिस का मतलब होता है कि आप उस चीज को करने के लिए मरे जा रहे हो, उस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हो। आई एम डाइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा तरस रही हूँ। अगर आपका बहुत ज्यादा स्केटिंग करने का मन है, आई एम डाइंग टू डू स्केटिंग। कोई मूवी देखने का हद से ज्यादा मन कर रहा है तो आप कह सकते हो आई एम डाइंग टू वॉच दिस मूवी, ये मूवी देखने का मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं मर रही हूँ इस मूवी को देखने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट ब्रिंग अप इश्यूज फ्रॉम द पास्ट। कि पुरानी बातों को मत उठाओ। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बात को उठाना, किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना शुरू करना। सपोज करो किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते तो हम कह सकते हैं डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक। व्हाई डू यू ऑलवेज ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ मनी, तुम हमेशा पैसे की बात ले आते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अलाउ मी अ मोमेंट। इसका मतलब है कि मुझे एक सेकंड दीजिए, एक बहुत पोलाइट एक्सप्रेशन है। जब कोई आपका कोई काम कर रहा हो और वो आपसे कह रहा हो कि मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिए, मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए। अलाउ मी अ मोमेंट, कि एक सेकंड दीजिए मुझे। अलाउ मी 5-6 मिनट्स, कि मुझे 5-6 मिनट दीजिए, मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट स्लिप्ड माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड माई माइंड तब यूज होता है जब आपको कुछ करना था, जो आपको करना था वो आप भूल गए, तब आप कहते हो मेरे दिमाग से निकल गया। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, आई फॉरगॉट योर बर्थडे इट स्लिप्ड माय माइंड, मैंने तुम्हारा बर्थडे भूल गया मेरे दिमाग से ही निकल गया। आई हैड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल इट स्लिप्ड माय माइंड, मुझे एक जरूरी फोन करना था मेरे दिमाग से निकल गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कीप माय वर्ड। जो चीज आपने करने का प्रॉमिस किया था उसको पूरा करते हो, तब आता है कीपिंग द वर्ड। तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ, आई कीप माय वर्ड। विल यू कीप योर वर्ड, क्या आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। He kept his word, उसने अपना वादा पूरा किया। I love her long black tresses, ये है हमारा अगला sentence। तो tresses जो होता है उसका मतलब होता है बाल। She is combing her tresses, वो अपने बालों को comb कर रही है। तो आप hair की जगह tresses लगाते हो तो ये बन जाता है एक advanced sentence। Next sentence है, I am game for it। इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए willing हैं, इच्छुक हैं और हम करना चाहते हैं या उसको try करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि मूवी देखने का प्रोग्राम है, चलना है, यू वॉन्ट टू गो फॉर द मूवी, येस आई एम गेम फॉर इट, कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, मुझे चलने का मन है। दूसरा, मुझे हमें कैंपिंग के लिए जाना है, तुम्हें चलना है, डू यू वॉन्ट टू गो फॉर कैंपिंग, येस आई एम गेम फॉर इट। तो आई एम गेम का मतलब है मुझे ट्राई करना है, मुझे एक्शन लेना है। अगला सेंटेंस है, आई हैड अ फॉल आउट विद हर। इसका मतलब है मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। काफ़ी लड़ाई हो जाने को बोलते हैं फॉल आउट, यानी कि दोनों की कुछ बहसा बहसी या ऐसी कुछ लड़ाई हो गई और दोनों आपस में अच्छे दोस्त की तरह बात ना कर रहे हो, तब हम बोलते हैं आई हैड अ फॉल आउट विद हर, मेरी उससे लड़ाई हो गई। मोस्ट पीपल फॉल आउट ओवर मनी, कि ज्यादातर लोग पैसे पर झगड़ा कर लेते हैं। शी फेल आउट विद हर सिस्टर, उसका अपनी सिस्टर से झगड़ा हो गया। अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, वो है टाइडी अप योर रूम। टाइडी अप का मतलब होता है अपने रूम को साफ कर लो, जो भी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं उनको उनकी सही जगह पर रख दो, ताकि सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। उस पूरी चीज को बोलते हैं टाइडिंग अप। तो हम बोलेंगे टाइडी अप योर रूम, इसका मतलब अपने रूम को बिल्कुल ठीक कर दो। टाइडी अप द गार्डन, मतलब गार्डन को बिल्कुल ठीक कर दो। आई एम गोइंग टू टाइडी अप द रूम, या आई एम गोइंग टू टाइडी अप माई रूम का मतलब है मैं अपने रूम को ठीक करने जा रहा हूँ या ठीक करने वाला हूँ। तो ये थे हमारे 20 एडवांस्ड सेंटेंसेस।
तो मजा आया ना सीखने में। इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट टू मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें और 20 सेंटेंसेस लेकर आऊंगी आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए। इन सेंटेंसेस को आप यूज कीजिए और मैजिक देखिए कैसे लोग आपकी इंग्लिश से इंप्रेस हो जाते हैं। इन सेंटेंसेस को बताने का मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप ये काम कीजिए कि इस वीडियो को बार बार लूप में सुनिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और आपके दिमाग से वो नहीं निकलेगा तो आप उसे यूज भी कर पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल टॉपिक के साथ जल्दी ही।